केदार मंदिर हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है, केदारम हिमवत पृष्ठे, केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है। आपत्ति इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो विज्ञापन हुआ है, जो वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, केदारनाथ शिफ्टिंग, केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं, और हिंदी में भी लिखा है कि अब केदार के दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के आए हैं उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हमने अखबार में पढ़ा, कि अब जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, यहीं पर केदार जी का दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये केदारनाथ का विकल्प हो रहा है। मंदिर जो है वो आर्थिक केंद्र नहीं है, मंदिर धर्म के केंद्र हैं, उपासना के केंद्र हैं, आध्यात्मिकता के केंद्र हैं। ये जो प्रयास चल रहा है पूरे देश में कि मंदिरों को पैसा कमाने की जगह के रूप में बदल दिया जाए, ये हमारे धर्म पर कुठाराघात है। कोशिश पहले से होती रही है कि वहाँ से केदारनाथ को हटा करके ऐसी जगह पे ला दिया जाए, उसी कोशिश का ये अंग है, और इसीलिए इसका प्रबल विरोध किया जा रहा है और कड़ी किया जाएगा। पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो, लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ? आखिर क्या कारण है कि अखबार में छपवाया जाता है कि 320 किलो सोना लग रहा है, अखबार में फोटो छापे जाते हैं, चीज़ें की जाती हैं, और उसके बाद वहाँ पर सोना एक रत्ती नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को आप दबा रहे हो।